आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देवरिया की पथरदेवा विधानसभा सीट पर अब हम पहुंच चुके हैं। पूरा दिन देवरिया में हमने बिताया है, अलग अलग विधानसभा सीटों पर गए, प्रत्याशियों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर किस सीट पर किसकी टक्कर की लड़ाई है और कौन ज्यादा मजबूत है। फिलहाल अब हम पथरदेवा विधानसभा सीट पर आ चुके हैं। ये पथरदेवा विधानसभा सीट देवरिया की सबसे हाई वोल्टेज सीट बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ से पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी और मौजूदा सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों से प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी के रूप में अंबर जहां को उतारा है। अंबर जहां अपनी पार्टी में अच्छी पकड़ उनकी है और महिलाओं के बीच में बड़ा चेहरा मानी जाती है कांग्रेस में। इसके अलावा इस सीट पर अंबर जहां दोनों ही सीनियर प्रत्याशियों को, जो अलग अलग राजनीतिक दलों से आते हैं, उनको बड़ी टक्कर भी देती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल अभी अंबर जहां के पति नौशाद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन रणनीतियों के तहत वो चुनाव में उतरे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों बाद इस विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है। तो जब जनता के बीच जा रहे हैं तो कौन कौन से वो समीकरण हैं जिनको लेकर के ये जनता के बीच पहुंचे और सरकार की कौन कौन सी वो जो खामियां थी उन खामियों के बारे में बता करके कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में उन्होंने जनता को बताया। नौशाद साहब, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ये सीट सबसे हाई वोल्टेज सीट बताई जा रही है, दो बड़े नाम अलग अलग राजनीतिक दलों से यहाँ से लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई कितनी अहम है, कितनी टक्कर इस सीट पर देखी जा रही है? और इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा, क्योंकि कांग्रेस का नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आपकी पत्नी यहाँ से कैंडिडेट हैं और लगातार जनता के बीच गई हैं, क्या जनसमर्थन मिला आपको? पहले तो मैं आपको, प्राइम टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ को पूरे भारत के, पूरे विश्व में पहुँचा रहे हैं, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद आपको। और रह गई बात चुनाव की, तो चुनाव यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। आप बता रहे हैं कि दो मंत्री, यहाँ पे तीन मंत्री से लड़ाई है। जैसे साकिर अली जी पूर्व मंत्री कैबिनेट आ चुके हैं, उनके पुत्र परवेज आलम भी चुनाव लड़ रहे हैं, और ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और वर्तमान समय में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी हैं। इन जब से ये पथरदेवा विधानसभा 2012 में बना, अभी तक जिन्होंने यहाँ से चुनाव जीता अभी तक कोई विकास का काम नहीं किया। और वही विकास का काम न होने के कारण, और बहन प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि महिलाओं को 40% आरक्षण देके महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, जो महिलाएं अपने दम पे आगे बढ़ेंगी और महिलाओं को आगे लाएंगी, जो अपनी बात को बेबाकी से रखेंगी और समाज को एक नया संदेश देंगी, जिसमें पूरी महिलाएं एक पथरदेवा विधानसभा का एक बहुत बड़ा, ये आपका 10 तारीख को पता लगेगा कि पूरी महिलाएं और जो हमारे युवा साथी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अभी तक किसी को रोजगार नहीं मिला है, और इस सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तमाम तरह की ये इन्होंने जो वादे किए वो खोखले निकले। रोड की बात करी जाए, सड़कों की बात करी जाए, कितना उस पर काम हुआ है, बिजली की बात करी जाए, क्योंकि बीजेपी के कुछ कैंडिडेट से मेरी सुबह बात हुई थी, उन्होंने कहा था देवरिया में बिजली की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है और अब 24 घंटा बत्ती आती है। आपको बता दूँ सर, मेरे बारे में पता करिएगा, मैं 22 सालों से सेवा कर रहा हूँ। 2003-04 में मैं BRDPG कॉलेज का महामंत्री रहा और 2010 में मैं 10,000 वोट पाके जिला पंचायत सदस्य हुआ। अच्छा। और वर्तमान में इस समय मेरी पत्नी अंबर जहां जिला पंचायत सदस्य हैं। और मैं आपको बता दूं, अपने विधानसभा में क्या पूरे देवरिया जिला में मैं बिजली प्रोग्राम से कम से कम 12 से 14 करोड़ का ट्रांसफार्मर तार मैंने लगवाया है, दौड़ धूप के यहाँ शक्ति भवन से लेके और आपको बनारस MD ऑफिस से लेके और गोरखपुर चीफ ऑफिस से लेके, आपको बता दूं बिजली के नाम से मैं जाना जाता हूं। उसके बाद मैं लाखों लोगों को हॉस्पिटल में ले जाके दवा करवाता हूं, आंख बनवाता हूं, सीटी स्कैन, तमाम तरह की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, लेकिन मैं सरकारी अस्पताल में 4 से 5 घंटे मैं रह के उन लोगों का ट्रीटमेंट कराता हूँ और उन लोगों को जो भी जितना हो सकता है मैं मदद करता हूँ। 5 साल में इस सीट पर या इस विधानसभा में या इस पूरे जिले में कोई काम हुआ बीती सरकार के? सर मैं आपको बता दूं, अगर काम हुआ होता तो आज मंत्री जी पैरों पर नहीं गिरते। आज मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, लेकिन जनता के पैरों पर गिर रहे हैं। कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए,
दवा की भी ना मर गए, लेकिन हमारे यहाँ के मंत्री उनके कान पे जू तक नहीं रहेगा। आज वही देन है कि बुरी तरीके से तीन तीन मंत्री को अंबर जा हराने जा रहे हैं। अब पूर्ण बहुमत से यहाँ से चुनाव जीतेंगी, यह मैं आपको वादा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ। कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और लोग भी लगातार इस लड़ाई में शामिल है और सपोर्ट कर रहे हैं अंबर जहाँ को। भाई साहब, क्या नाम है आपका? और सबसे पहले पूछना चाहूंगा, क्या नतीजे रहेंगे इस विधानसभा सीट पर, कितनी लड़ाई अहम देखी? सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आप इस विधानसभा में आए। और मेरा नाम पवन शर्मा है, क्योंकि मैं भी कांग्रेस पार्टी से एक दावेदार था, जो कि पार्टी ने जो निर्णय लिया बहुत सही निर्णय लिया, यहाँ से महिला को टिकट दिया। और जिस तरीके से अंबर जहाँ जी के साथ मैं खुद सारी विधानसभाओं के काफ़ी गाँव में गया, वहाँ पर मैंने देखा कि अंबर जहाँ जी को महिलाओं का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि यहां पर किसी के साथ लड़ाई हमारी रही नहीं गई है। हमारी लड़ाई एक तरफा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी को महिलाओं का, युवाओं का पूर्ण समर्थन मिल रहा है और वो भारी मतों से जीत रही हैं। टक्कर किसी तरह की नहीं है, कोई भी भले सामने खड़ा हो जाए, बड़े बड़े सीनियर लीडर देवरिया आ रहे हैं या अगल बगल आ रहे हैं, कोई फायदा उससे? मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ की जनता ने एक तरफा मन बना लिया है, क्योंकि वो काफ़ी समय से बदलाव चाह रही थी। क्योंकि पिछले एक सालों से मैं भी कोविड टाइम से हूँ इस विधानसभा में, यहाँ की जनता बदलाव चाह रही थी, क्योंकि माननीय सूर्य प्रताप शाही जी ने यहाँ पे विधानसभा में कोई कार्य नहीं किया है, ना तो युवाओं के लिए, ना तो युवाओं को फील्ड दे पाए जो आर्मी में डिफेंस में जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर फील्ड नहीं है, ना तो यहाँ पे आप अगर उनकी विधानसभा के उनके बाजार में ही चले जाइए, पथरदेवा बाजार में, वहाँ पे लाइट की समस्या, वहाँ पे तार लटके हुए हैं, लोगों काफ़ी नाराज हैं, हताश हैं। मतलब मैं कहूँगा कि ये अन्य विधानसभाओं से हजार गुना पीछे चल रही है हमारी पथरदेवा विधानसभा। यहाँ पे विकास बहुत होना चाहिए था, क्योंकि कैबिनेट मंत्री एक अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री के बराबर की पावर रखते हैं, लेकिन उन्होंने इस पथरदेवा विधानसभा में कोई भी कार्य नहीं किया है। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका बात करने के लिए। तो पथरदेवा सीट बहुत अहम है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करी जाए, बिजली की बात करी जाए या फिर अन्य चीज़ों की बात करी जाए, तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट में अभी भी पीछे रहा है। और जिस तरह से देवरिया को शुगर केन का कटोरा कहा जाता रहा है, लेकिन उसमें भी किसानों को काफ़ी कुछ झेलने को दिखाई दिया है बीते 5 सालों में या उसके पहले। अब देखना ये होगा कि नतीजे क्या होते हैं इस पथरदेवा विधानसभा सीट पर, क्योंकि सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और भी कई सारे दिग्गज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से लड़कियों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर सजग है, वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि अंबर जहाँ एक बेहतर दावेदारी यहाँ से पेश कर रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन पांडे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।